नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष नाहके हूँ और मेरे इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहके में आपका स्वागत है। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपको हर बार की तरह प्रेजेंट के 13 और पास्ट के 13 सेंटेंस लिखना है हिंदी और इंग्लिश में। तो टेंस, मेन टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सब टेंस होते हैं सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। तो आज हम वर्ब लेंगे हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी हेल्प, हम मदद करते हैं। वी डू नॉट हेल्प, हम मदद नहीं करते हैं। डू वी हेल्प, क्या हम मदद करते हैं। व्हाई डू वी हेल्प, हम क्यों मदद करते हैं। व्हेन डू वी हेल्प, हम कब मदद करते हैं। इसको इंग्लिश और हिंदी में लिखना है प्रैक्टिस के लिए ताकि सेंटेंस आप बनाना सीख जाए। तो वी हेल्प, आई हेल्प, मैं मदद करता हूँ। दे हेल्प, वे मदद करते हैं। यू हेल्प, तुम मदद करते हो। इस तरह की सेंटेंस भी आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें वी आर हेल्पिंग, हम मदद कर रहे हैं। वी आर नॉट हेल्पिंग, हम मदद नहीं कर रहे हैं। आर वी हेल्पिंग, क्या हम मदद कर रहे हैं। वाई आर वी हेल्पिंग, हम क्यों मदद कर रहे हैं। व्हेन आर वी हेल्पिंग, हम कब मदद कर रहे है। इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आई एम हेल्पिंग, मैं मदद कर रहा हूँ। आई एम नॉट हेल्पिंग, मैं मदद नहीं कर रहा हूँ। यू आर हेल्पिंग, तुम मदद कर रहे हो। वाई आर यू हेल्पिंग, तुम क्यों मदद कर रहे हो। ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। इसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें वी हैव हेल्प। तो हम मदद कर चुके हैं। वी यानी हम मदद कर चुके हैं। वी हैव नॉट हेल्प, हम मदद नहीं कर चुके हैं। हैव वी हेल्प, क्या हम मदद कर चुके हैं। व्हाई हैव वी हेल्प, हम क्यों मदद कर चुके हैं। व्हेन हैव वी हेल्प, हम कब मदद कर चुके हैं। आई हैव हेल्प, मैं मदद कर चुका हूँ। दे हैव हेल्प, वे मदद कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट प्लस वी टू का उपयोग होता है फार्मूले में। तो वी हेल्प, हमने मदद की। वी डिड नॉट हेल्प, हमने मदद नहीं की। डिड वी हेल्प, क्या हमने मदद की। व्हाई डिड वी हेल्प, हमने क्यों मदद की। व्हेन डिड वी हेल्प, हमने कब मदद की। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। आई हेल्प, मैंने मदद की। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसके भी हिंदी और इंग्लिश में बनाना है। जस्ट लाइक वी वेयर हेल्पिंग, हम मदद कर रहे थे। वी वेयर नॉट हेल्पिंग, हम मदद नहीं कर रहे थे। वेयर वी हेल्पिंग, क्या हम मदद कर रहे थे। वाई वेयर वी हेल्पिंग, हम क्यों मदद कर रहे थे। व्हेन वेयर वी हेल्पिंग, हम मदद कब कर रहे थे। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। आई वॉज हेल्पिंग, मैं मदद कर रहा था भी बोल सकते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, अब वी हैड हेल्प, हम मदद कर चुके थे, मैंने मदद की थी। वी हैड नॉट हेल्प, हमने मदद नहीं की थी। हैड वी हेल्प, क्या हमने मदद की थी। व्हाई हैड वी हेल्प, हमने क्यों मदद की थी। व्हेन हैड वी हेल्प, हमने कब मदद की थी, हम कब मदद कर चुके थे। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। और आई हैड हेल्प, हमने मदद किया, मैंने मदद की थी। आई हैड हेल्प, आई हैड नॉट हेल्प, मैंने मदद नहीं की थी। दे हैड हेल्प, उन्होंने मदद की थी। माई फ्रेंड हैड हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी मदद की थी। इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे। और प्रैक्टिस के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग वर्ब का उपयोग करना है इसमें। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसमें वी हैव बीन हेल्पिंग सिंस 1980, हम 1980 से मदद करते आ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन हेल्पिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करना है आपने हिंदी और इंग्लिश में। और इसमें पास में भी बनाना है, सिर्फ हैव के जगह हैड का उपयोग करना है। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर में सेंटेंस जो है वो मैं मदद करता हूँ,
करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं मदद करता था, सिंपल पास्ट टेंस मैं मदद करूँगा, आई शैल हेल्प, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। और मैं मदद कर रहा था हो जाएगा ये पास्ट टेंस, पास्ट में कंटिन्यू, मैं मदद कर चुका था, ये आएगा आपको प्रेजेंट मैं मदद कर रहा था ये आ जाएगा पास्ट टेंस। अब मैं मदद कर चुका हूँ तो इसमें आपको बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मदद कर चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो हम मदद कर रहे होंगे, वी हैव बीन हेल्पिंग, ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, कर रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मेरी वीडियो हैं YouTube पर, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, और प्रैक्टिस के लिए आप उन्हें लिख भी सकते हैं, तो जितने ज़्यादा आप लिखोगे तो उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। धन्यवाद।